बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मेरे साथ हैं। मनोज जी, 3 राज्यों की जीत का जश्न तो कल मना है, आज संसद में भी आप लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। अब क्या करें, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी। तीसरी बार मोदी सरकार, ये सब नारे संसद में गूंज रहे हैं और ये नारे उन लोगों के मुख से निकले हैं जो 50-50 लाख 30-30 लाख लोगों के प्रतिनिधि सांसद हैं। और मेरा ये विश्वास है कि एक लंबे समय के प्रयत्नों के बाद, एक लंबे समय तक राजनीतिक संस्कृति को बदलते हुए, लकीर के फकीर लोगों को पछाड़ते हुए, साजिश करने वाले, भ्रम डालने वाले ऐसे लोगों को पीछे छोड़ते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास अर्जित की है, उसका बहुत बड़ा ये रिजल्ट है जो अभी देखने को मिला है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता क्या चाहती है, सुरक्षा चाहती है। इस देश की जनता सभी धर्मों का सम्मान चाहती है। हमको अपने धर्म का गर्व है, लेकिन हम दूसरे के धर्म को तकलीफ नहीं दे सकते। ये भारतीय जनता पार्टी, वो शायद चला गया, केवल आदिवासी समाज के नाम पे राजनीति करने से नहीं, आदिवासी समाज को घर किसने दिया, छत किसने दिया, नल किसने पहुँचाए। तो अभी हमारे एक व्यक्ति बोले कि बीजेपी के सारे सिद्धांत अब प्रतिष्ठापित हो रहे हैं और ये निश्चित रूप से अब यहाँ से एक ऐसी छलांग होने वाली है जो सच में भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है।